तो हरे कृष्ण, आप सबको स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज वर्ल्ड कंपैरिजन वर्सेस रियल कंपैरिजन, सांसारिक करुणा बनाम वास्तविक करुणा। तो संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन वेलफेयर एक्टिविटीज। सभी लोग कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, दूसरे का मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो जो मदद है, जो हेल्प हम करते हैं, वास्तविक रूप में वो हेल्प कितनी महत्वपूर्ण है या कितना हमारे लिए जरूरी है, उसके बीच में जरूर चर्चा करेंगे। सो नाउ आप यहां पर एक फोटो देख रहे हैं, यहां पर ये देख रहे हैं। तो बचपन में हम सभी को हमारे माँ मदर्स, उन्होंने लड्डू भी खिलाया और दूसरी तरफ थप्पड़ भी मारा, है ना। सभी लोग मड खाया, थप्पड़ खाया है, ऐसा कोई नहीं कि थप्पड़ नहीं खाया। अगर मैं पूछूं आप सभी को तो सभी लोग का ये आंसर होगा, हाँ हमारा तो माताएं जो हमको लड्डू भी दी थी और मारी भी थी, थप्पड़ भी मारी थी। तो ये दोनों में अगर हम देखेंगे, ये दोनों क्या है, माँ की तरफ से हमारे लिए क्या है, भेंट है। माँ ने हमको एक तरह से हमको प्यार भी किया, लार दुरार किया, और दूसरी तरफ से हमको शासन भी किया, है ना। अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में अगर देखेंगे हम लोग, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन में वो लोग तुरंत बच्चे जो है आप उनको मार नहीं सकते आज की डेट में, है ना। अगर है तो फिर वो हेल्पलाइन में फोन कर देंगे। सो ये दोनों जो हम देख रहे हैं, जो टू केसेस है, ये टू केसेस पे मदर्स एक्चुअली लव्स दैट चाइल्ड, वो माता ही हम उस बच्चा को प्रेम करती है। तो आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में एक केस स्टडी बताएंगे। ये देखिए, योगी जो है, हम तीन बात कहते हैं, योगी, भोगी और रोगी। जो दिन में एक बार खाता है, तपस्या करता है, उसको योगी कहते हैं। जो दो बार खाता है उसको कहते हैं भोगी। दो बार नहीं, लोग तो हम चार बार खाते हैं। और तीसरा है जो दो से ज्यादा टाइप में खा रहे, ही इज ए पेशेंट, रोगी। आजकल तो लोग कभी भी मेडिसिन खाते रहते। तो इसमें हम देख सकते हैं, जो मैं फोटो दिखा रहा हूं यहां, जो आपको देख रहे हैं, ये योगी जो है, अंत काले चमामे बह स्मरण उक्त्वा कड़े बरम यह प्रयाति त्यजन देह सही आति न अति संशय। भगवान आठवें अध्याय गीता में कहते हैं, योगी लोग अपने इच्छा से शरीर को त्याग कर देते हैं। यहां देखिए, यहां तो थोड़ा लाइट दिख रही है, यहां जा रहा है योगी अपने ब्रह्म रंध्र से अपने आत्मा को दूसरे ग्रह तक तो पहुंचा देता है। तो योगी जर मतलब इतना योगी मन लोगों का इतना मतलब सक्षम है। आज के समय जो योगी है खास करके बहुत कम दिखाई देते हैं। अगर आप हिमालय में जाते हो तो, ये जो कुंभमेला में जाते हो तो कुंभमेला में बहुत सारे साधु संतों को देखते हैं, वहां पर भी कई योगी आते हैं। मैंने 2013 में गया था कुंभमेला में, तो वहां पर मैंने एक योगी को देखा जो कि कई सालों से खड़े थे, उनके शरीर में कोई कपड़े नहीं था, इस तरह की योगी। तो ये जो योगी है, इनका नाम है सौबरी मुनि, है ना। ये सौबरी मुनि ये वृंदावन में यमुना नदी में, यमुना में क्या कर रहे थे, यमुना नदी में वहां पर पानी के अंदर जाकर के तपस्या कर रहे थे। आपका मन में ये प्रश्न आता होगा, पानी के अंदर तपस्या कैसे कर सकते हैं। हाँ, पानी के अंदर उन्होंने क्या किया, पानी के अंदर उन्हें अपने योग शक्ति से ऐसा बना लिया कि उस अंदर बैठ करके उन्होंने तपस्या किया। आज की डेट में जैसे कि लोग मैराइन डाइव करते हैं, है ना, जो मैराइन डाइव कर लेते हैं, हम देखते हैं कि वो अंदर जाते हैं और एक दो दिन रह सकते, लेकिन ये कई सालों तक वो अंदर तपस्या कर रहे थे। अच्छा, तपस्या करनी अच्छी बात है, तपस्या किसके लिए करना चाहिए, भगवान की भक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। भगवत गीता के पांचवें अध्याय के 29 नंबर श्लोक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा। भोक्ता कौन है, कौन इसको हम किसको डेडिकेट करना चाहिए, भगवान को डेडिकेट करना चाहिए। जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी तपस्या, सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वर हम लोग छोटे मोटे ईश्वर है। आप लोग कोई घर का कंट्रोल करते हैं, कोई राशन कंट्रोल करता है, कोई देश का कंट्रोल करता है, लेकिन कृष्ण जो है सर्वलोक महेश्वरम, सभी का ईश्वर, तो उनको डेडिकेट करना चाहिए। तो सौबरी मुनि जो है ये पानी के अंदर जाकर के तपस्या कर रहे थे,
तो तपस्या कर रहे थे उस जल पर जो यमुना नदी में उस दह पर कालिय दह जो था वहां पर। तो ये जो गरुड़ जी है, आप सब गरुड़ जी है, भगवान के वाहन है ना, भगवान गरुड़ के है ना, गरुड़ के ऊपर आसित होकर के भगवान, गरुड़ जो है बड़ा महान बलवान है। आप देख रहे हैं जो गरुड़, जैसे हमारा गांव में चील बाज पक्की होता है, ये जो है ना गरुड़ जो है, गरुड़ सो पावरफुल, ये बड़े बड़े पहाड़ को उठा लेंगे। और गरुड़ जी अपने बलबूते हर कार्य कर सकते हैं। तो गरुड़ जी ऐसा है जो पक्षी है, उनका जो भोजन है क्या है, मछली खाना, मछली खाते हैं, सांप खा जाते हैं। तो देखो भक्त भी है लेकिन मछली खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं युवक्त्या प्रयच्छति, भगवान गीता में 9 नंबर अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं पत्र पुष्प फल और जल मुझे अर्पण कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो बड़े बड़े मंदिर आप भारत में कहीं भी जाते हो वहां पर क्या है, ये सब अर्पण किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई उपहृतम अस्नामी, मैं इसको ग्रहण करता हूं जब वो भक्ति के भाव से वो देता है। तो गरुड़ जी इस नदी में आकर के रोज मछली खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक मछली का लीडर को क्या है, गरुड़ जी उठा लिए। जब गरुड़ जी उठा लिए तब क्या हुआ, गरुड़ जी उठा लिए तो ये सौबरी मुनि देख रहे थे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में, इस श्लोक को आप लोग वहां पर उच्चारण कर लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। मीनां सुदुखितं दृष्ट्वा दीनां मीनपतौ हते कृपया सौभरिहि प्राह तत्रात्य खिमम आचरन। तब मीनान सुदुखितम दृष्ट्वा, ये मछली लोगों ने देखा कि अपना जो नेता है वो मर गया है, इसको देखकर दुखी थे। तो सबरी मुनि को भी दुख आया। देखो यहां पर देखो सबरी मुनि का भी दर्द आ रहा है, वो दया कर रहा है क्या, कृपया सौरभि सौभिर प्राह, इसको देख करके सबरी मुनि ने कहा। तो उन्होंने उनके लिए कंपैशन कर दिया, क्या है कि जो गरुड़ जी को उन्होंने अभिशाप दे दिया। तो अभिशाप जो दे दिया कि तुम इस दह में नहीं आ सकते, अगर आओगे तुम भस्म हो जाओगे। तो इस कथा में हम देख सकते हैं कि सोबरी मुनि का बाद में पतन हो जाता है, लेकिन हम लोग एक श्लोक में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर टीका करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन करते हैं, कभी कभी हम लोग तथाकथित बड़ा उदारवादी हो जाते हैं, सेकुलर बन जाते हैं, हमको रोना आ जाता है। हम लोग छोटे छोटे बातों में बड़ा हमको दया आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा एक ओपिनियन दे देते हैं। लेकिन जब सोबरी मुनि ने गरुड़ जी को वहां मना किया, कालिय वहां मना करने के बाद क्या हुआ कि उस दह में कालिय नाग आके रुकने लगा। तो कालिय जो है उसके बाद बहुत परेशान करने लगा वहां पर। कालिय के विष से पूरी लोग त्रस्त थे। आप लोग बचपन में एक स्टोरी सुना होगा, ये स्टोरी है। एक बार ऐसा है कुआं में मेंढक रहते थे। ये मेंढक लोग जो है, तो एक मेंढक जो लीडर था उस लीडर कोई माना नहीं, सब लोग इसकी अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। तो मेंढक साहब बोले कि ये जो लोग है, हमारा जनता जो है, ये जनता भी मान नहीं रहा है, ये हमारा खिलाफ हो गया है, अगेंस्ट हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, तो ये जो मेंढक साहब थे इन्होंने गए बाजू बाजू देशों में, जैसे कभी कभी पॉलिटिशियन जा करके क्या करते हैं कि जो नियर एंड डियर जो कंट्री है, जो बाजू बाजू में जो कंट्री है, इन कंट्री को वो लोग क्या करते हैं, इनवाइट कर लेते हैं। तो अज्ञात कुलश्रेष्ठ भाषण देव, मतलब ऐसे लोगों को अपने ओर ले जाते हैं, अपने खेमे में ले जाते हैं। तो ये जो मेंढक साहब गए तो एक सांप को बुला लिए, मतलब जो सांप जो था बोला कि उड़े वी आर गोइंग टू बी फ्रेंड, तो कृपया मुझे इस मुसीबत से मदद करो। तो सांप ने आने लगा, बोला कि ये सारे लोग आपको खाने का, जो इधर जितना भी मेंढक है इनको आप परेशान खाना है। और खाते खाते एक दिन खत्म हो गया सब। खत्म होने के बाद क्या हो गया कि ये जो मेंढक जो लीडर थे उनको भी वो सांप कहने लगा, अभी एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, सबको मैंने सांप कर चुका हूं, अभी मेरे को भूख लग रही है, क्या करूं। तो उनको भी खा गया। ऐसी घटना बहुत बार होती है इस शास्त्रों में, ये तो छोटा कथा है, लेकिन इस कथा में देखो इन्होंने भी कंपैशन दिखाया
इन्होंने भी सोचा कि हमारे जो जनता है, हमारा जनता हमारा सुन नहीं रहा है, इसीलिए हमारा जनता को हम ऐसे सबक सिखाएंगे, है ना। यहाँ पर भी हम देखते हैं ऐसा स्टोरी, छोटा सा स्टोरी लेकिन हमको बहुत मदद करता है। उस तरह हम ये देख रहे हैं, ये भरत महाराज है। भरत महाराज अपने अल्प आयुष में, मतलब कम से, मतलब जब उनको जब यंग थे, ही लेफ्ट हिज होम, घर छोड़ दिए, और घर छोड़ करके कहाँ गए, जंगल में गए। तो वहां तपस्या कर रहे थे, लेकिन वहां तपस्या के बीच में उनका, इन बिटवीन द तपस्या एंड भरत महाराज देयर इज ए डियर, वहां पर एक हिरण आ गया। हिरण को देखो, कई बार अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ एनजीओ आए थे मेरे स्टॉल में, वो कह रहे थे कि हम लोग ना कुत्ते पालन कर रहे हैं, कई एक व्यक्ति जो है कुत्ते को पालन कर रहे हैं, तो कृपया वो बोल रहे थे कि हमें जो है ना मदद करिए, आपकी संस्था से कुछ मदद मिलेगा क्या, कुछ पैसा हम उनको डोनेट कर सकते हैं क्या, फंडिंग कर सकते हैं क्या। मैंने कहा कि हाँ फंडिंग तो कर सकते, लेकिन किसके लिए। तो उन्होंने कहा वहां पर 200 कुत्ते हैं और कुत्तों को खाना खिलाना पड़ता है और बहुत सारे ऐसा अन्य जानवरों को उन्होंने रखते हैं। मैंने कहा कुत्तों को ऐसे रखने के कोई मतलब नहीं, आप उनको गांव में जाके छोड़ दीजिए और आराम से जिएंगे, और अवेयरनेस फैलाइए कि लोग ऐसे पशुओं को मदद करें। लेकिन भरत महाराज भी वैसे हिरण को, जो गंडी को नदी के किनारे में, उन्होंने तो तपस्या करना था, लेकिन उनके कंपैशन किसके ऊपर हो गया, उस हिरण के ऊपर है। और हिरण को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भरत महाराज ने ना उस हिरण को अपने आसपास रखे, और इस हिरण प्रति इतने आसक्त हो गए, इतनी आसक्त हो गए भरत महाराज कि मृत्यु समय में यम्यम्बा पिस्मरणं भाव त्यजन्ति अन्ते कलेवरं तम तम वेति भौंतेय सदा तद भाव भावित। मृत्यु के समय जो भावना को आप, जिस विचार को आप अपने पास रखते हैं, उसी विचार आपके ऊपर आ जाता है और आपको उसी तरह शरीर प्राप्त हो जाता है। तो भरत महाराज को हम देखते हैं कि इस तरह उन्होंने, उनका कंपैशन जो था उनके ही ले डूबा, डूब के मर गया। तो ऐसा आप देखा। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग जो है ना, हम लोग गए थे प्रचार करने के लिए, तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों को पानी नहीं मिला सुबह, तो हम लोग पानी ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते 8 बज गया। तो 8 o'clock हमने देखा कुआं है, तो उस कुआं में हम लोग सब जाके नहा रहे थे, तो 30 feet इतना डीप था, उस कुआं में हम लोग कूद कूद कर नहा रहे थे। तो एक भक्त थे जो कि वो तैरना नहीं आता था उनको, वो बोलते थे मैं भी तैरूं, मुझे भी तैरना सिखाओ ना। वो हमने तो बोले कि ठीक है, मैंने उसको हाथ खींच दिया, तो बेचारे को तैरना नहीं आता था, वो डूब डूब के कप कप कर रहा था, मतलब डूब रहा था उसमें। तो हमने देखा कि ये मरते हुए व्यक्ति को जब बचाने जाते हो, वो व्यक्ति आपका गला पकड़ लेता है। तो इसके कहने का क्या है, अगर आपने इस व्यक्ति को बचाने जा रहे हैं, ये व्यक्ति डूब रहा है, लेकिन ये व्यक्ति को डूबा उठाने की वजह उसी कपड़े बुझा उठा लिया आपने, अगर आपने इसके कपड़ा उठा लिए और व्यक्ति को छोड़ दिए, क्या उसकी लाभ होगा। तो गीता में भगवान कहते हैं व्यांछासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि संयान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। तो यहां भगवान कहते हैं जैसे कि पुराने कपड़े हो जाते हैं, हम पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं और नया कपड़े लेते हैं, सेम वे हम क्या करते हैं, हम लोग इस शरीर जब वृद्ध हो जाता है, ये शरीर जब इनवैलिड हो जाता है, इस शरीर को हम लोग त्याग देते हैं। तो आप लोग जैसा कि अपने कपड़ा बदल के नया कपड़ा लेते हो, तो कई समय ऐसा होता है आपके साथ कि आप मृत्यु अनिश्चित सुनिश्चित है, मृत्यु के समय अपने कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर इस केस में अगर आप देख रहे हैं, अगर ये व्यक्ति उसके कपड़ा को बचा रहा है, खाली केवल शरीर को हेल्प करने के लिए कोई मदद करना चाह रहा है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को मदद नहीं करना है, दैट इज नॉट रियल करुणा, वो सही कृपा नहीं है। तथाकथित कंपैशन के बारे में, एक एजुकेशन के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। ये देखिए हमारी ये जो है महाराज जी है, कौन है आपको जानते हो उसके नाम, और आपको अनुरोध है कि आप लोग कई लोग जो है ना आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन लाइन पे है। मेरा अनुरोध है आप लोग अपना जो वीडियो खाली ऑन कर लीजिए। तो ये है राजा राममोहन रॉय। ये राजा राममोहन रॉय, ये भारत में एक सुधार कार्य किए इन्होंने, इन्होंने सतीदाह प्रथा को भी उठाए, और ये राजा राममोहन बहुत फेमस रहे।
राजा राम मोहन रॉय को बहुत लोग पूजा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनके पास ब्रिटिश इनके पास गए तो ब्रिटिशर्स इनको रिक्वेस्ट किया कि आपके देश में कौन सा एजुकेशन होना चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय ने उनको ऑप्शन दिया कि क्या आपको संस्कृत बेस में गुरुकुल स्टाइल में पढ़ाओगे या ये जो ब्रिटिश वर्नाकुलर सिस्टम, जैसा कि ये देखो ग्रेजुएशन के बाद में टोपी भी मिलता है, उस सिस्टम को पढ़ाओगे। तो इन्होंने क्या कहा मालूम है, इन्होंने कहा कि हम लोग ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को लेगा, हम लोग इसको नहीं लेगा, किसको, गुरुकुल सिस्टम को नहीं लेगा। तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आज के डेट में लोग बोलते हैं कि धार्मिक किताब के साथ साथ लैपटॉप दूसरे हाथ में, मुसलमान लोगों को, लेकिन मुसलमान लोग अपना जो है मदरसा में पढ़े रहे। लेकिन एक्चुअली रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए था, संस्कृत भी पढ़ाना चाहिए था और लैपटॉप भी होना चाहिए था जो भी एजुकेशन, लेकिन उन्होंने टोटली ये संस्कृत और हमारे कल्चर को किनारा कर दिया है ना। जो रिफॉर्म करना चाहिए था, रिफॉर्म बेस्ट ऐसे होना चाहिए था, जैसे ये गुरुकुल है, मेरे दादाजी के मतलब मेरा परदादा जो है वो गुरुकुल का टीचर थे, तो टीचर थे तो पढ़ाते थे गाँव में जाकर के स्कूल में, तो उनको बाघ खा गया था उस समय में। तो आज के समय जो एजुकेशन फॉर ऑल एज ग्रुप, सभी के लिए सीखा है हमारा गुरुकुल सिस्टम का। देखिए अगर कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना आता है, उसको हिसाब किताब आता है, तो उसको एजुकेटेड माना जाता है। आज की डेट में इतना भी नहीं आता है, सो कॉल्ड एजुकेशन में लोग दूसरी तीसरी में क्लास छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं और बाद में उनको कोई पढ़ाते नहीं। लेकिन गुरुकुल सिस्टम में अगर आप बड़े भी हैं तो आप भी सीख सकते हैं, ये सिस्टम था। लेकिन इसमें देखो इनका भी शिक्षा के ऊपर कंपैशन आप देख सकते हैं, इनका तथाकथित ये करुणा है। तो उसके बाद आपको एक करुणा के बारे में बताता हूँ। ये केस को लेकर के कभी कभी भगवान कृष्ण को लोग निंदा करते हैं। क्या केस है कि माता द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था उस गुरु सभा में, तो माता द्रौपदी ने पुकारा कि भगवान मेरे लाज बचाइए। तो भगवान जब लाज बचाने के लिए जब भगवान को पुकारी कौन द्रौपदी माता, तो वहां पर कई लोग कारण देते हैं कि भगवान ने उस समय उस दुशासन, उस दुर्योधन और उनकी जो उनको मार देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की स्त्रियों की बेइज्जती करना, नग्न घुमाना मतलब नग्न करना, देखो उस समय एक स्त्री को नग्न करने के लिए प्रयास किया गया, महाभारत हो गया। आज के डेट में तो हजारों सैकड़ों स्त्रियां जो है अपने आप को नग्न घूम रही है, और इन लोगों ने भी इनका भी एक क्या है वो आर्गुमेंट करती है कि हमें कोई भी कपड़ा पहनने से क्या मतलब है। ऐसा बात नहीं है, जो भी ड्रेस ऐसे लोग फास्ट ड्रेस देन आर ड्रेस है ना। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को मिलने जाते हो, ऐसा नहीं कि आप हाफ चड्डी में नहीं जा सकते, हमें कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा। तो भगवान ने उस समय वस्त्र दान किया लेकिन मारा नहीं, लोग बोलते मार देना चाहिए था। मैं आपको कहता हूं भगवान ने मारा नहीं, इसीलिए उस समय भगवान ने द्रौपदी को लाज तो बचाई, लेकिन भगवान ने इसके प्लान किया पीछे कि महाभारत जैसा युद्ध रच दिया। उस महाभारत युद्ध में सैकड़ों मतलब लाखों करोड़ों जो ऐसे दुर्दांत जो राजा थे उनको मरवा दिए, तो वो लोग मर गए। तो मेरा कहना है कि कभी कभी इमीडिएट कॉज और कभी कभी रिमोट कॉज, तुरंत और कभी कभी बाद में फल, ये दोनों को भी देखना चाहिए हमें कंपैशन जब किसके ऊपर कोरोना कर रहे हैं। तो इस कोरोना वायरस के टाइम में प्रायः तो स्कूल क्लोज था, बच्चे लोग सब मोबाइल में पढ़ रहा था, मोबाइल देख रहा था। इस मोबाइल पे जैसा आप देखते हो, आप देख रहे हो यूट्यूब में तुरंत एडवर्टाइज आता है मांस खाने का, है ना, मांस का तुरंत वो इसका, क्योंकि वो मांस खाने वाले ज्यादातर उसको एडवर्टाइज पैसा देते हैं, तो वो बेचारा उसमें ही डाल देता है। तो इस क्लोज टाइम में बच्चे लोग ना बहुत सारे मोबाइल में था, और उस समय उनको बहुत सारे ऐसे एनिमल एब्यूज, जो पशुओं को हत्या करा जा रहा है, पशुओं को टॉर्चर किया जा रहा है, पशुओं के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, उस तरह की वीडियो उनको दिखा। तो उस वीडियो देखने से बच्चा क्या है, क्रूर बनेगा, उनको तो ऐसा लगा कि भाई बंदूक चलाना एक आसान बात है। तो बच्चों के जो मन में परिवर्तन हो जाता है, देयर इज चेंज इन देयर माइंड। तो इसमें हम देखते हैं कि ये ऑनलाइन वायलेंस जो है बहुत बढ़ चुका है, ये ऑनलाइन वायलेंस में इतना वीडियो डाल रहा है। देखो हम भगवद गीता का वीडियो डालते तो 25 30 40 50 लोग देखते हैं, लेकिन अगर हम कहीं एनिमल शटर का वीडियो डाल देंगे तो लाखों व्यू आ जाते हैं, लाखों लोग उसको देखते हैं। ऐसे
जो मूवीज वो देखते हैं उस मूवी में भी हम देखते हैं कि वायलेंस है, लेकिन उसमें लाखों लाखों लोग देखते हैं। तो ऑनलाइन वायलेंस में लोग आज एंट्राप्ड है। तो ये जदियों एक वरदान की तरह, एक हमको गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए एक, देखो सोशल मीडिया इट इज लाइक नो बेनिडिक्शन जैसा बात है, लेकिन उसमें आज हम एंट्राप हो गए हैं, उसमें हम लोग ना ग्रसित हो चुके हैं। तो ये जो एम्पाथी मतलब सहानुभूति, और स्कूल कम्युनिटी में स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे बच्चों के लिए, अगर आप बच्चों के लिए रहते हो तो जैसे मैंने कहा कि गुरुकुल तो रहा नहीं आज के समय में, ऐसे एजुकेशन देने के लिए तो है नहीं, माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है, माँ बाप बच्चों को तो केवल स्कूल ट्यूशन में भेज देते हैं। तो इसमें कई चीजें हम लोग जो कि कुछ सुधार ला सकते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं लूंगा, क्योंकि सारे पॉइंट जो है मैं नेट से ले लिया हूं। जैसा कि तो इसमें जो लाइकलीहुड ऑफ बुलिंग, बुलिंग मतलब दादागिरी जो बच्चे करते हैं ना, उनको सिखाना चाहिए, अपने आजू बाजू में बच्चों लोग को कम से कम ट्रेनिंग देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और लेस अग्रेसिव बिहेवियर, इमोशनल डिसऑर्डर्स, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। आज की डेट में बच्चे बड़ा अग्रेसिव हो गए हैं, उनको अग्रेसिव अगर इस तरह के विचार, मुझे कई पेरेंट्स आके बोलते हैं हमारा बच्चा नहीं मान रहे, हमारा बच्चा हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं, हमको कह रहा है मम्मी पापा आप लोग नहीं जानते मैं जानता हूं। तो हम ये देख सकते हैं अग्रेसिव जो बिहेवियर है उसको कम करने के लिए उनको मंदिर ले आइए, साधु संत को मिलाइए, गीता की एक श्लोक पढ़ाइए उनको, कुछ उनको इन्वॉल्व करिए कई कार्य में। हाँ, जैसे कि रेस्पेक्ट और वैल्यू में डिफरेंस देख सकते हैं, हम कैसे सम्मान करेंगे बड़ों को कोई आता है तो, और बड़ी पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना चाहिए बच्चों के साथ। बच्चों के साथ इफ यू स्पेंड टाइम दे आर गुड, है ना, मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्ष। ये जैसे मन है हमारा इधर उधर भटकता रहता है, उसे छोटा बच्चा भी इधर उधर भटकते रहते हैं, तो इसीलिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। और लिसन क्लोजर टू पीयर्स एंड एडल्ट्स, बड़े लोग को सुनने के लिए, सुनने की प्रयास करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पहला जो है सुनने का विधि डालिए। सुनने के लिए आजकल 5-10 मिनट भी बच्चे सुन नहीं पाते हैं, 15 मिनट में, मैं कई स्कूलों में प्रोग्राम करता हूं, स्कूल में अगर मैं 3 मिनट, 3 मिनट अगर बच्चों को मैं बैठा देता ना, मैं सोचता हूँ इट इज ए वेरी ग्रेट जॉब। जैसा टीचर गायब तो बच्चे चिल्लम चिल्ली चालू कर देते हैं पूरी जोर जोर से। सो इसीलिए हम लोग जैसे हमारे जो दुख, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इसको बच्चे लोग को इसकी तरह मदद करना चाहिए। तो इस तरह बच्चों के अंदर भी हमारा सोसाइटी में हम इसको मदद करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। संकीर्तन आंदोलन उसको कहते हैं कि जैसा कि सामूहिक रूप से लोग गैदर होकर के एक जगह में रहो करके हम क्या करना चाहिए, भगवान की गुणगान करना चाहिए। हरे नाम एव केवलम, कड़ो नास्ते इव गति अन्यथा। जब ये हरि नाम संकीर्तन हम करते हैं, मृदंग बजाते, करताल बजाते हैं, लोगों को लगता है ये सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। बॉम्बे जुहू से हम जुहू बीच में कभी कभी कीर्तन करके जाते हैं, तो जब कीर्तन करते हैं तो कोई ना कोई फोन कॉल करता है, किसको, पुलिस के पास, बोलते हरे कृष्ण वाले आते हैं और इधर डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम उनको तो कृपा कर रहे हैं, उनको लग रहा है डिस्टर्ब। उनके हिसाब से लोग साइलेंट रहना चाहिए, चुप चुप जाना चाहिए, चुपचाप जाना चाहिए, लेकिन ये हरि नाम कर रहे हैं। ये हरि नाम जो है गोलोकेर हरि प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन ये गोलोक का प्रेम धन है, हम सभी के लिए है। जो भी व्यक्ति हरि नाम उच्चारण किया उसकी उद्धार हुआ। और देवहूति माता भी कहती है अहोबत सोपच तुगरियन यद जीवाग्रे नाम वर्तते तुभ्यम, जिसकी जीवाग्रह में, ये लोग को आप देखिए रशियन, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन जो लोग है, ये लोग जो है ना केवल ना जमीन से आसमान में केवल हवाई जहाज को छोड़ करके वो सब कुछ खाते हैं, मतलब कुछ भी खाते हैं, किसी को भी पकड़ खा जाते हैं लोग। तो हम देखते हैं कि ऐसे लोग भी सुधार हुआ, ऐसे लोग भी हरिनाम संकीर्तन करने के बाद उनकी परिवर्तन हुआ। तो माता देवोत्ती कहती अहबत सोपचतु करियन, अगर कुत्ते मांस खाने वाला व्यक्ति भी वो श्रेष्ठ हो जाता है जब भगवान के नाम उसके जीवाग्र में उच्चारण होने लगता है। इसलिए डोंट बी एस्ट्रोनेट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति अनक्वालिफाइड है, ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं ग्रहण किया, नहीं उच्च परिवार में जन्म ग्रहण नहीं किया है, अगर वो व्यक्ति भी अगर हरिनाम ले रहा है तो वो व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या क्या हो गया, सुष्णु आर्या उन्होंने अलग अलग तीर्थ स्थान में स्नान किया होगा, यज्ञ किया होगा, तपस्या किया होगा, बड़े बड़े यज्ञ में दान दिया होगा,
इस तरह की पुण्य काम किया, इसीलिए इस जन्म में वो हरि नाम उच्चारण करे। कोई बच्चे अगर कर रहे तो यह ऑर्डिनरी नहीं है, हर माता पिता का जिम्मेदारी है कि हर बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, है ना, मदद करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जो है, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा एक मूवमेंट शुरू किया, इसको कहते इस्कॉन, और इस्कॉन में उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता का ट्रांसलेट किया अंग्रेजी भाषा में। कई लोगों ने कहा कि स्वामी जी जो है ना, स्वामी जी हमारा हिंदू धर्म का पूरी सत्यानाश कर दिया, विदेशी लोगों को जाकर के भक्त बना दिया, उनको संन्यास दे दिया, लेकिन स्वामी जी ने इतना सुंदर सुंदर मंदिर बनाया सारे विश्व में, और भगवद गीता का अनुवाद करके हम जैसे बद्ध जीवों को सभी को उद्धार किया। तो ये है रियल करुणा। यदि लोगों को ये नहीं चाहिए, लोग इसके अगेंस्ट में हैं, लोग इसके विरोध करते हैं, फिर भी वास्तविक जो है, जैसा कि बच्चों को लड्डू दो या उसको थप्पड़ मारो, प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों में प्रेम है, लेकिन ये वास्तविक जो प्रेम है भगवान, ये इदम परमम गुह्यम मद भक्त्या विध्यासति, ये परम गुह्य ज्ञान मेरे भक्तों को जो प्रदान करता है वो ही मेरे लिए बड़ा प्रिय है, उसको मैं भक्ति देता हूँ। ये भगवद गीता जयंती चालू है, भगवद गीता जयंती के अवसर पर आप जहां भी रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, आप प्रयास करिए किसी को भगवद गीता देने के लिए, भगवद गीता ज्ञान को दूसरे तक तो पहुंचाइए। यही सही करुणा है, वास्तविक करुणा यही है। हम तो किताबें देते हैं, अन्य बुक्स भी देते हैं और बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, लेकिन सबसे वास्तविक करुणा है भगवद गीता का दान देना। और अंततगत्वा मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जो है ना वास्तविक करुणा करना चाहते हैं लोगों को, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति व्यक्ति का उद्धार होता है और दूसरा का भी उद्धार आता है, व्यक्ति का जो है जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को इस जो गीता जयंती की पार्टिसिपेशन है इसमें भाग लीजिए, डू द बेस्ट एक्टिविटी फॉर द ह्यूमैनिटी। तो आज इस लेक्चर में हम लोग चर्चा किया पूरी तरह से, किस तरह कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग तथाकथित छोटा मोटा जो है ना दान धर्म पुण्य में काम करते हैं, लेकिन बेस्ट जो है ना वास्तविक जो लोगों की मदद करना चाहिए उसके लिए उनको कार्य करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से आपको, क्योंकि टाइम कम है तो इस लेक्चर के माध्यम में आपको कहीं ज्ञान मिला होगा, और अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।